हेलो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इट इज द पार्ट सेकंड ऑफ माय वीडियो। इन पार्ट फर्स्ट आई डिस्कस द फंडामेंटल अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस। जस्ट इफ यू आर न्यू, सो वॉच माय फर्स्ट वीडियो एंड देन यू विल गेट द कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक। टॉपिक विल बी मोर क्लियर टू यू if you will start from the beginning, okay? And it's my request and my suggestion, just write everything in your register. If you will not write, the things will disappear from the mind, okay? If you will write, then easily it will grasp by your mind. Now let's start the topic nutrition in plants. So, as you know, plants are the autotrophic. In first video, I explain you about the autotrophic nutrition. So, they can prepare their own food by themselves through the photosynthesis process. So, what is the photosynthesis process? Photosynthesis is the process by which plants prepare food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. So, here plants are utilizing four things. One is the carbon dioxide, another one is the water, one thing is the sunlight, another one is the chlorophyll. So, ये चार चीजें हैं जिनको मिलाकर photosynthesis process complete होता है, ठीक है? So, the food prepared is carbohydrate which is stored in the form of starch. So, as whatever prepared by the plants, that is in the form of carbohydrates. अब चाहे वो plants हो या animals हो, वो carbohydrate की form में ही food store होता है, ठीक है? लेकिन plants में किस form में होता है? Plants में starch की form में store होगा. So, oxygen is released in this process. अब ये जो पूरा process है, इसका एक waste material कह दीजिए, आप इसको by-product कह दीजिए, that is the oxygen. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन इज अ वेस्ट मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द लिविंग क्रिएचर्स, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए ही। तो इसलिए व्हाट इज कंपलसरी, दैट फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट्स ऑन दिस अर्थ इज वेरी कंपलसरी फॉर अस। सो दैट्स वाई एवरी टाइम यू आर गेटिंग दिस सजेशन, जस्ट प्लांट मोर ट्रीज, बिकॉज वी आर डिपेंड ऑन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन वी कैन गेट आफ्टर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ओनली, ठीक है? Now let's see the equation of photosynthesis. It's 6CO2 plus 2H2O in the presence of sunlight and the chlorophyll, it convert into C6H12O6. It is the formula of carbohydrate or the formula of glucose. Okay? 6H2O plus 6O2. तो बच्चों आपको ये इक्वेशन बहुत अच्छे से याद करनी है, बैलेंस इक्वेशन आपको याद रखनी होती है, कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, कितने वाटर के हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज इससे बन रहे हैं, कितना वाटर रिलीज हो रहा है और कितनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में एमिट हो रही है, ठीक है? सो व्हाट हैपेंड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, as photosynthesis takes place in three main steps. They are absorption of light energy by chlorophyll. So chlorophyll is that part. आपने 9th class में इसको पढ़ा होगा, और यदि आप इसको और जानना चाहते हैं तो आप मेरी 9th class की वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने प्लास्टिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको रिवाइज कीजिए एंड देन अगेन वॉच दिस। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल कैन ट्रैप द सनलाइट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है? तो पहला काम तो एब्जॉर्प्शन का होगा, सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पर जो लाइट एनर्जी है, क्लोरोफिल सनलाइट ले रहे हैं, अब इसका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O दे आर डूइंग अ केमिकल रिएक्शन, सो that is known as the conversion of light energy into chemical energy and later on splitting up of water molecules into hydrogen and oxygen. अब ये देखो, water molecules
के साथ में क्लोरोफिल मिल रहा है, क्लोरोफिल का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, सो देन दे आर मेकिंग द ग्लूकोज एंड स्प्लिटिंग इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. क्लियर? सेकेंड थिंग इज दिस. थर्ड थिंग इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. तो यहाँ पर थ्री थिंग्स. थर्ड थिंग इज व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्मिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो आई हैव रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, सो जस्ट इन दिस वे ओनली यू हैव टू रिपीट एवरी पॉइंट एंड यू हैव टू लर्न ऑल द पॉइंट्स गिवन ऑन द स्लाइड. ठीक है, जस्ट राइट इट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टू यू. ठीक है, आप लोग कभी कभी बच्चे नहीं लिखते हैं, उनको लिखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरी एडवाइस है 10th क्लास के सभी स्टूडेंट से कि आप लिखिए और अपने कंप्लीट नोट्स बनाइए. ठीक है, नाउ लेट्स सी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन दिस डायग्राम ऑल्सो. देखो बच्चों, ये एक प्लांट है, प्लांट के पास अपना क्लोरोफिल है. ठीक है, तो ये इसको किसी से नहीं लेना है, बट इसको और चीज़ें नेचर से ही लेनी है, जैसे कि नेचर से इसको एनर्जी मिल रही है थ्रू द सनलाइट. ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि एनर्जी किससे मिल रही है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए, फ्रॉम द सनलाइट. नेक्स्ट थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड. हु इज प्रोवाइडिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट्स? दैट ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स आर प्रोवाइडिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ओनली वी आर द रिसोर्सेज टू प्रोवाइड द कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट्स. थर्ड थिंग इज द वॉटर. Due to the rain, due to the groundwater, plants can get the get this facility. Okay? So what happened after the combination of these things? That these things provide the glucose. अब ये glucose बनाती हैं, यानी carbohydrates बना रही हैं. और इसी के साथ साथ ये क्या provide कर रही हैं? Oxygen to the atmosphere. So it is a diagrammatic process. जब आप photosynthesis की definition लिखते हैं, describe करते हैं, तो वहाँ पर आप हमेशा डायग्राम ज़रूर से बनाइए. आप इस डायग्राम को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही प्लांट बनाएंगे. प्लांट आप अपनी मर्जी से कैसा भी बना सकते हो, बट यू शुड ट्राई टू मार्क द करेक्ट डायरेक्शन. ठीक है, नाउ let's see the main part of the plant, that is chloroplast. Chloroplast ही वो part है जो photosynthesis process शुरू कर सकता है. यदि plants में chloroplast नहीं होता तो photosynthesis process नहीं हो सकता. ठीक है, तो chloroplast किस वजह से ये काम कर सकता है? Because of a pigment that is known as chlorophyll. ठीक है, तो chlorophyll क्या है? Chlorophyll is a pigment present in the leaves. तो फर्स्ट, क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स. इफ यू ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीव अंडर अ माइक्रोस्कोप, वी कैन सी सेल्स कंटेनिंग ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल. अब आप यहाँ देखो सेल, आपने सेल का स्ट्रक्चर तो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो एक लीफ में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट लीफ. तो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये सभी क्लोरोप्लास्ट हैं. ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस यहाँ पर दिख रहा है, साइटोप्लास्ट दिख रहा है, तो ये सब और ऑर्गेनल्स हैं. 9th में आपने बहुत अच्छे से इनको पढ़ा हुआ है. अब आप देख सकते हो कि ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है. ठीक है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको एनलार्ज करके दिया है. आप यहाँ से आप डायग्राम देखेंगे और इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखो बच्चों, क्लोरोप्लास्ट टू लेयर्स शो कर रहा है बिकॉज इट इज डबल मेम्ब्रेनस. ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन. ये डबल मेम्ब्रेनस क्यों है? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. सो नेचर हैज प्रोवाइडेड द कंप्लीट प्रोटेक्शन टू दिस स्ट्रक्चर, दैट्स वाई इट इज हैविंग अ टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. इट हैज़ ऑल्सो इनर इंटर मैम्ब्रेन स्पेस. अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है. ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वन वर्ड क्वेश्चन और एम सी क्यूज जब आपसे पूछे जाते हैं तो उनमें ये सब आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है. सो दैट फ्लूड विच इज़ फिल्ड इन साइड द क्लोरोप्लास्ट, दैट फ्लूड एक्वस फ्लूड इज़ नोन एज स्ट्रोमा.
एक्वस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रोमा जो है इसमें वाटर कंटेंट भी मिक्स होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब यहाँ पर एक यूनिट दिखा रखी है, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, सो दैट इज कॉल्ड द थायलेकॉइड, इसको हम बोलते हैं थायलेकॉइड। एक्चुअली थायलेकॉइड्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैप द सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए थायलेकॉइड्स ही यूज होते हैं। अब थायलेकॉइड्स की हम एक पाइल के फॉर्म में देख लें, एक के ऊपर एक बहुत सारे थायलेकॉइड्स रखे हैं, तो हम इनको तब बोलते हैं ग्रैनम। सो हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रैनम, ग्रैनम इज अ स्टैक ऑफ थायलेकॉइड्स। व्हाट इज द टर्म यू विल यूज फॉर द स्टैक ऑफ थायलेकॉइड्स, दैट इज द ग्रैनम, ठीक है। सो पाइल ऑफ स्टॉक थायलेकॉइड इज नोन एज ग्रैनम, ठीक है। अब ये जो ग्रैनम है, वन ग्रैनम इज कनेक्टेड टू अनदर वन, क्योंकि इन्हें कंप्लीट प्रोसेस करना है, तो वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड थ्रू अ लैमेला। सो कंजक्शन बिटवीन टू ग्रैनम इज लैमेला। सो व्हाट इज लैमेला, इट इज अ कंजक्शन बिटवीन टू ग्रैनम्स। एंड वाटर इज फिल्ड इनसाइड द थायलेकॉइड्स। देखो जितनी भी सेल्स होती हैं, जो भी आपने सेल ऑर्गेनल्स नाइन्थ में पढ़े हैं, उन सब के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है, तो मोस्टली इट इज नेम्ड एज ल्यूमेन, वो ल्यूमेन ही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ करेंगे और इनको याद करेंगे। एक बार जब आप अपने हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, तो आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। नाउ See the activity to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Now we are going to prove that chlorophyll is a essential part of for the photosynthesis. So what we have to do? Take a potted plant having variegated leaves. So here is written croton plants. So what are the variegated leaves? So beta variegated leaves वो होती हैं जिनमें कुछ part green color होता है और कुछ व्हाइट कलर भी होता है। जैसे कि आप लोगों ने मनी प्लांट देखा होगा, तो मनी प्लांट लीव्स आर कॉल्ड द वेरीगेटेड लीव्स, और उन प्लांट्स का जो ग्रुप होता है वो क्रोटन कहलाता है। मतलब इस तरह के जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्रोटन प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है। नाउ कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 3 डेज सो दैट ऑल स्टार्च इज यूज्ड अप। अब हमें इन्हें डार्क रूम में रखना है जिससे कि जितना भी इसमें स्टार्च है वो खत्म हो जाए। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डी स्टार्च्ड कंडीशन, ठीक है। देन कीप इट इन सनलाइट फॉर 6 आवर्स। अब हमें उसको फिर से 6 आवर्स सनलाइट में रखना है। क्यों रखना है? जिससे कि वहां पर फिर से स्टार्च फॉर्मेशन होने लगे। देन टेक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड मार्क द ग्रीन एरियाज ऑफ द लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब हमें ये जो यहाँ पर पार्ट है, ये व्हाइट पार्ट है, हमें पता कैसे चलेगा कि क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पर है? तो हमने उसको पहले एक पेपर पर कॉपी कर लेना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर ग्रीन है वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे कि यहाँ पर ग्रीन पार्ट है। देन डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर टू मेक इट सॉफ्ट। अब मनी प्लांट की लीफ को यदि आपने छूकर देखा है तो वो थोड़ा थिक दिखती है, ठीक है। अब यदि हम इसको थोड़ी देर बॉइलिंग वाटर में रखेंगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इट इज़ अ स्टेप, इसमें स्टेप जितने भी हैं वो इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। तो आपको हर क्वेश्चन का, हर पॉइंट का पता होना चाहिए कि हम ऐसा काम किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। देन डिप द लीफ इन अल्कोहल एंड हीट इट इन अ वाटर बाथ टू डीकलराइज इट एंड रिमूव द क्लोरोफिल। अब हम इस सॉफ्ट लीफ को अल्कोहल में डिप करेंगे। अब अल्कोहल को हम डायरेक्ट हीट पर बॉयल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो अल्कोहल का बीकर है उसको ही हम एक वाटर बीकर में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको हीट अप करते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में क्या होगा, दैट क्लोरोफिल विल डिसॉल्व इनटू द अल्कोहल। तो जो भी क्लोरोफिल है वो वहाँ से निकल जाए, ठीक। देन वॉश द लीफ इन वाटर एंड डिप इट इन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब हम जो लीफ है उसको हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में हम डाल दें। अब ये आयोडीन सॉल्यूशन हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू डिटेक्ट द स्टार्च, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन वी पुट इन द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, इट विल बी सीन दैट ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक। अब जहाँ से क्लोरोफिल डिजॉल्व हुआ था केवल वो पार्ट ब्लू ब्लैक होगा। तो आयोडीन की यही पहचान होती है, यदि आयोडीन को हम किसी भी स्टार्च वाली जगह पर डालते हैं तो वो उस स्टार्च वाले प्लेस को ब्लू ब्लैक कर देता है, वहाँ जो रिएक्शन होती है, देन इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू ब्लू ब्लैक कलर।
So this shows that chlorophyll is necessary for photosynthesis. ठीक है, आप देखो यहाँ पर लीफ को हम देख लेते हैं. लीफ है, इसका येलो एरिया है और ग्रीन एरिया है. इट इज कॉल्ड वेरिएटेड लीफ बिफोर स्टार्च टेस्ट. आफ्टर दैट व्हेन वी डिड द स्टार्च टेस्ट देन वी फाउंड सच काइंड ऑफ कंडीशन. सो दैट एरिया विच इज वाइट इन कलर इज अनअफेक्टेड बाई स्टार्च टेस्ट. ठीक है, ये कलरलेस पार्ट है क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था तो फूड फॉर्मेशन नहीं हुई. दूसरा पार्ट है एरिया अफेक्टेड बाई स्टार्च टेस्ट, ये ब्लू ब्लैक हो गया. तो यहाँ पर हम प्रूव कर पा रहे हैं कि यहाँ आयोडीन की प्रेजेंस में स्टार्च अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर रहा है. ठीक है, सो दैट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. अब बच्चों इस एक्टिविटी से रिलेटेड आपको हॉर्स क्वेश्चन भी मिल सकते हैं कि जैसे एक शर्ट है वो स्टार्च्ड है, उसके पास उसमें उस पर यदि आयोडीन सॉल्यूशन गिर गया तो क्या होगा. तो सीधी सी बात है, अब आपको पता है कि स्टार्च कैन रिएक्ट विद द आयोडीन सॉल्यूशन एंड इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर. तो इस एक्टिविटी से रिलेटेड भी आपसे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो जस्ट बी रेडी एंड बी प्रिपेयर, कॉपी इट एंड लर्न ऑल द पॉइंट्स. नाउ लेट्स सी द वन मोर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज द स्टोमेटा. एज स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. अब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ईच स्टोमा हैज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स विच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर. सो वॉट इज द स्टोमा? स्टोमा इज द सेंट्रल पॉइंट और द सेंट्रल अपर्चर ऑफ द स्टोमेटा. यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टोमेटाज हैं, ये एपिडर्मिस लेयर जो होती है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है. दिस इज द एपिडर्मिस, उसके बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब ये जो स्टोमा है दैट अपर्चर इज कवर्ड विद अ बीन लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर. सो दैट बीन शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज गार्ड सेल्स. सो दीज गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. When water enters the guard cells, it swells and the pore opens. अब जी देखो यहाँ पर water intake हो रहा है, ये water absorb कर रहा है. ठीक है, तो अब इसकी condition देख सकती हो, थोड़ा सा आपको swell नज़र आ रही है, फूली हुई नज़र आ रही है. ठीक है, because it is absorbing the water this time. Next, when the guard cells lose water, it shrinks and the pore closes. अब यहाँ पर water की ज़्यादा कंजप्शन हो गया है तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकल रहा है. ठीक है, सो एट दैट टाइम स्टोमेटा विल बी क्लोज, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो ज़्यादा मात्रा में भी पानी बाहर निकल सकता है. सो स्टोमेटास आर हैविंग अ परफेक्ट फंक्शन टू मेंटेन द वाटर लेवल इनसाइड द प्लांट. Now see the structure of stomata. Always this structure is important for the 10th class students because you get so many questions from this part. First, stomatas are present at the lower part of the leaf and they are covered with the epidermal sac. So उनके चारों तरफ क्या होती है? Epidermal sac. क्योंकि epidermal sac के बीच बीच में बहुत सारे stomatas present होते हैं. It is covered by the guard cells. अब now see the structure of guard cell. बहुत important होता है ये. Guard cell में अपना एक nucleus है. ठीक है, and it is filled with the chloroplast. यहाँ पर भी chloroplast present होता है and that aperture is known as stoma. So this is very important part of it. It is the surface view of the stomata. Just see, you can see the cross section of it and in such condition You can see the part of stoma. It is the entrance to take the water, to take the carbon dioxide, to release the oxygen and to release the extra water. So you all have to learn to draw this structure of stomata. Now you can see the functions of stomata. As you know, for the photosynthesis process, plants have required the water and the carbon dioxide, so that stomatas are providing this facility to the leaves, and through the leaves, plant is getting the water content and the carbon dioxide.
Now here it works according to the osmosis process. देखो osmosis आप लोगों ने 9th class में पढ़ा था that osmosis always works from higher concentration to lower concentration, either for the water or the gas. अब यहाँ पर देखो दोनों conditions आपको दिखाई दे रही हैं. High water vapor content कहाँ पर लिखा है? अंदर की तरफ लिखा है, ठीक है. अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पर हाई है तो वाटर विल कम आउट टू द लो वाटर वेपर कंटेंट. कहाँ से बाहर आ रहा है? जस्ट यू कैन सी हियर इज द गार्ड सेल, दीज आर द वाटर वेपर्स एंड दिस इज द स्टोमा. तो उस अपर्चर से बाहर आ रहा है. ऑस्मोसिस इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. अब यहाँ पर देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, सो डिफ्यूजन विल टेक प्लेस from outside to inside. So low carbon dioxide concentration यहाँ पर है. यहाँ पर भी आप देख सकते हो stoma है, guard cells है. So that means stomata control the diffusion of water and carbon dioxide from higher concentration to lower concentration. As stomata open to allow carbon dioxide to enter a leaf and water vapor to leave. Clear? Now you can see the structure of the leaf and the presence of guard cells and the chloroplast. Just you can see this is covered with the chloroplast. It is the lower epidermis. क्योंकि जो भी stomatas present होते हैं वो mostly lower epidermis पर present होते हैं. बहुत कम leaves होती हैं जिनमें दोनों ही surfaces पर होते हैं, but mostly these stomatas are present at the lower surface of the leaf. Just you can see it is the aperture. This is the stoma. And it is guarded by the guard cells. तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये guard cells हैं. Guard cells are filled with chloroplast. तो यहाँ पर chloroplast है because most of the function controlled by the stomatas. I hope it is clear to you. Now see the activity to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. अब यहाँ पर हम ये भी प्रूव कर देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है. सो अब हमें क्या लेना है? टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम साइज, कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च इज यूज्ड अप. अब हमें फिर हमने 2 पॉटेड प्लांट लिए, उनको हमने 3 दिन तक अंधेरे में रखा जिससे कि उनमें जितना भी स्टार्च है वो रिमूव हो जाए या वो यूज हो जाए. देन कीप द प्लांट्स ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स. अब हमने उनको अलग अलग ग्लास प्लेट्स पर रख दिया है. कीप अ वॉच ग्लास कंटेनिंग सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नियर वन प्लांट टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखो यहाँ पर बच्चों एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने रखा है यहाँ पर. तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखते हैं? जिससे कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड इस जार में होगी वो यूज अप हो जाए, वो अब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है. और यहाँ पर हमने वाटर रखा है, यानी यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो वाटर की हेल्प से सर्कुलेट होती रहेगी, ठीक है. तो यही इस एक्टिविटी का एम है. तो यहाँ पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं. इसका फॉर्मूला होता है KOH. आपको बहुत अलर्ट रहना है और आपको इसको याद रखना है. नियर वन प्लांट टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो अब हम क्या कौन सा मटेरियल रखते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है? दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. कवर बोथ द प्लांट्स विद बेल जार्स एंड सील द बॉटम ऑफ द जार्स विद वैसलीन टू मेक इट एयर टाइट. अब हमें क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी इसका अंदर का एनवायरनमेंट है वो एज इट इज रहना चाहिए, इसलिए हमने इसको बेल जार से कवर किया और उसको सील किया. आपको रीजन भी पता होना चाहिए. कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर 3 आवर्स. अब हमें क्योंकि इन्हें स्टार्च करना है, अभी हमने डी स्टार्च करा था तो अब हमने इनको सनलाइट में 3 घंटे के लिए रखा. देन टेक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड टेस्ट फॉर स्टार्च. अब हम एक ये लीफ लेंगे और अब ये एक लीफ लेंगे. तो जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में किया था ऐसे ही अब हम इनको इन लीव्स को स्टार्च टेस्ट के लिए ले जाते हैं. द लीफ ऑफ द प्लांट कैप्ट इन द जार कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. अब यहाँ पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है, वो सब किसने एब्जॉर्ब कर ली? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने. तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा है. तो अब यहाँ पर जो लीफ है वो आयोडीन किसी रिएक्शन के बाद में ब्लू ब्लैक नहीं होगी, इट विल रिमेन सेम इन कलर, ठीक है. तो ये प्रूव क्या कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है.
लेकिन जब हम इस लीफ को यूज़ करेंगे सो देन इट विल शो द ब्लू ब्लैक कलर, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन हुई है. क्लियर? सो दिस शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सो इट वॉज अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो यू ऑल हैव टू लर्न ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस एक्टिविटी बिकॉज एवरी पॉइंट कैन गिव एनी वन काइंड ऑफ क्वेश्चन विद द रीजन दैट वाई डिड यू डू दिस this step in this activity. Clear? Now I will meet in the next video with the nutrition in animals. We'll be right back.